नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल भारत में राकेश। बिहार में नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी का मुद्दा लगातार गहराता जा रहा है और इसे लेकर ये राजनीतिक मुद्दा है जो कहीं न कहीं सियासी पार्टियां इसका फायदा उठाने की कोशिश कर रही हैं। सियासी पार्टियां की छोड़ दीजिए, बिहार में जो सत्ताधारी दल है जेडीयू, उसके नेता खुद इसके अगेंस्ट में खड़े हैं। जेडीयू की बात की जाए तो जेडीयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर खुद एनआरसी और सीएए के विरोध में है, जबकि इसके पार्टी के जो मुखिया नीतीश कुमार खुद इन्होंने सीएए को लेकर केंद्र की मोदी सरकार का संसद में समर्थन किया और समर्थन के बाद यह बिल जो है कानून का रूप लिया और भी कई राज्यों में अब लागू भी होने जा रहा है। लेकिन एक बार फिर से जिस तरह से प्रशांत किशोर ने सीएए को लेकर ट्वीट किया है, उससे मामला और भी गहरा गया है और ये कहीं ना कहीं ये संकोच दिखाता नजर आ रहा है कि जेडीयू अभी भी अपना स्टैंड स्पष्ट नहीं कर पा रही है नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी को लेकर। मैं आपको बता दूं कि प्रशांत किशोर ने जो ट्वीट किया है, वो ट्वीट की जो जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा, उन्होंने ट्वीट किया है कि आई ज्वाइन माई वॉइस विथ ऑल टू थैंक कांग्रेस लीडरशिप फॉर देयर फॉर्मल एंड अनइक्विवोकल रिजेक्शन ऑफ सीएए एनआरसी। उसके बाद वो आगे लिखते हैं कि बहुत राहुल गांधी एंड प्रियंका गांधी डिजर्व स्पेशल थैंक्स फॉर देयर एफर्ट्स ऑन दिस काउंट। और उसके बाद प्रशांत किशोर नीचे लिखते हैं कि ऑल्सो वुड लाइक टू एश्योर टू ऑल बिहार में सीए एनआरसी लागू नहीं होगा। अब इस ट्वीट के मायने क्या है, क्योंकि आपको ये बताते चले कि इसके पहले कई दिनों से लगातार जेडीयू के जो बड़े नेता हैं, चाहे वो आरसीपी सिंह हो या फिर कोई भी अन्य बड़े दल नेता, वो लगातार जेडीयू के प्रशांत किशोर पर हमलावर रहे हैं और उन्होंने यहां तक भी कह दिया कि वो अनुकंपा पर नेता हैं, अनुकंपा पर बनाए गए हैं। इसके साथ साथ सिर्फ आरसीपी सिंह ही नहीं, चाहे वो नीरज कुमार हो या फिर जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह हो, ये तमाम जो ऐसे नेता हैं जो कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर के बयानों से इत्तफाक नहीं रखते। लेकिन एक बार फिर से इन्होंने जिस तरह से ट्वीट किया है, ये स्पष्ट तौर पर ये पता चल रहा है कि जेडीयू में अभी भी राड़ की जो स्थिति है वो देखी जा रही है एनआरसी और सीएए को लेकर। बहरहाल देखना ये अहम होगा कि क्या पार्टी का स्टैंड क्या होता है, क्या नीतीश कुमार जिन्होंने खुद केंद्र की मोदी सरकार को समर्थन दिया है सीएए को लेकर, क्या बिहार में इसे लागू नहीं करवाया जाएगा या फिर एक बार फिर से नागरिकता संशोधन कानून को लेकर जेडीयू यानी कि बिहार एनडीए में घमासान मचने वाला है, देखना ये अहम होगा। फिलहाल नेशनल भारत में खबरों का सिलसिला जारी है, खबरों में अपडेट बने रहने के लिए देखते रहे नेशनल भारत, साथ ही हमारे वीडियोस को आप लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।